सभापति जी धन्यवाद। आप आज जो माननीय रेल मंत्री जी ने 2024 अमेंडमेंट भी लेके आए हैं, कभी अंग्रेजों का बनाया हुआ ये सिस्टम जो लगभग 125 साल पुराना था, और पिछले 10 साल से जिस प्रकार से बदलाव आया है, एक बीच में समय ऐसा भी आया कि आम सवारी जो रेल में बैठती थी डर लगता था समय पर जाएंगे पहुंचेंगे एक्सीडेंट होगा नहीं पहुंचेंगे, लेकिन पिछले 10 साल से जब भी घर से कोई आदमी रेलवे स्टेशन पर जाता है तो रेलवे स्टेशन ऐसा नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे 5 स्टार हो। बड़े स्टेशनों की बात नहीं करता मैं, तो मेरे हरियाणा प्रदेश की बात करता हूँ, जो छोटे छोटे सब डिवीज़न हैं तो तेरा हिसार का भी देख लेना, जिस प्रकार से स्टेशनों का रूप बदला है, जिस प्रकार स्टेशन का रूप बदला है बैठने को जी करता है। और पहले जब भी कोई सवारी जाती थी, मैं मेरी अगर भिवानी हरियाणा की बात करूँ, कोई कलकत्ता जाता था, कोई आसाम में जाता था, कोई बेंगलोर जाता था, कोई बम्बई जाता था, 4-4 बार रेल बदलनी पड़ती थी। आज एक जगह से बैठो आखिरी समय पर पहुँचेगा और लास्ट तक। और आप और हम दोनों देखते हैं, माननीय रेल राज्य मंत्री भी देखते हैं, जो आदमी हवाई सफ़र करता था दिल्ली से जयपुर दिल्ली से चंडीगढ़, रेल में जाता है 2.5 घंटे पहुंच जाता है आदमी। स्टेशनों की शक्ल देखोगे, बोगी की शक्ल देखोगे, जिस प्रकार से बदलाव किया है, न केवल साफ सफाई का और न केवल डबल का, आप भी उसमें बैठ के चलोगे, आप भी, अरे 6 महीने के बाद आप भी जब हिसार से आओगे, आप भी हिसार से जब दिल्ली आओगे तो उसी ट्रेन में आओगे। जिस प्रकार से वंदे भारत, और जिस प्रकार से नई नई ट्रेनों के नाम पता ही नहीं चलता, जब स्टेशन पर हम जाते हैं तो ये नाम क्या है रेल का, इतनी ज़्यादा फास्ट ट्रेन चला दी, और आप हैरान रह जाओगे, दुनिया का देश का जो आम नागरिक जिनका विश्वास उठ चुका था, आज हर आदमी लाइन में लगा हुआ है कि मैंने ट्रेन की टिकट दिलवा दो, ट्रेन में जाना है। छोटिया सारी चीज़ें, समय से पहले पहुंचता है, डबल लाइन की बात हो, हरियाणा प्रदेश की तो एक भी लाइन ऐसी नहीं छोटी जहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन ना होगी हो, डबल लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन। हालात इतने बदल गए, जो आदमी 10 साल पहले इस देश से बाहर गया था, जब अब वो दोबारा आता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है, ये वही भारत है, ये वही रेल है। इस भारतीय रेल का जिस प्रकार मंत्री जी ने सुधारीकरण किया है, और मैं कुछ एक सुझाव भी देना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी आपके ऊपर पूरा विश्वास है, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर देश का विश्वास है, ये जो ट्रेन है हमारा, इधर KMP है, इधर ईस्टर्न पैराफेरी है उत्तर प्रदेश की तरफ, ये जितनी रेल दूर से आती हैं चारों तरफ से इनके 4 जगह बड़े स्टेशन बनाओ, और किसी प्रकार से बड़ा लैंड बैंक है रेलवे का दिल्ली के अंदर, जिस पर लोग इनक्रोच भी करते हैं, जाम भी लग जाते हैं, यहाँ पर मेट्रो का समाधान करें ताकि पैसेंजर मेट्रो के थ्रू, जाम से ही बच जाएगा, ये पर्यावरण जो दूषित है वो भी बच जाएगा। इस प्रकार का माहौल पैदा करोगे और हो सकता है उसमें चाहे समय लगे, आपका उसी के लाइन के ऊपर जहाँ लाइन है वहीं पर मेट्रो बन सकती है, नीचे सड़कें बन सकती हैं, ग्रीन बेल्ट छोड़ी जा सकती है। और दूसरा, दिल्ली में ठहराव के लिए जगह कम है रेलों की, जो रेल कलकत्ता से चलती है बेंगलोर से चलती है उनकी मेहरबानी करके 100-125 किलोमीटर दूर, चाहे वो हिसार हो भिवानी हो महेंद्रगढ़ हो नारनौल हो, अगर ठहराव उनका वहाँ हो जाए तो हमारे लिए भी फायदा है, यहाँ पर जगह कम है वो भी फायदा मिल जाएगा। एक अंडरपास जो आप बनाते हो, अभी आप स्टेट से 50% पैसा लें, 100% की बजाय 50% अगर रेलवे भुगत लेगा तो हमें और ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। 3-4 रेल की भी मैं मांग जरूर करना चाहूँगा, एक लोहारू से भिवानी और नीमराणा से अटेली दादरी, फरूख नगर से झज्जर दादरी लोहारू, और एक मेवात को भी किसी प्रकार से हम दिल्ली के साथ रखते हैं वो भी जुड़ जाए, और 2-3 अंडरपास हैं जवाहर नगर पर हाल्ट बना के, और 161/2 और 161/3 पर एक अंडरपास बनवाएं, एक जयपुर पाली स्टेशन पर भी, और एक ट्रेन साथ में इस कसुआ के लिए भी चलाओ ताकि चूरू का भी हमारे साथ काम चल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।